हेलो एवरीवन, तो आज हम कंस की ड्राइंग बनाने वाले हैं और मेरे एक सब्सक्राइबर थे जो काफ़ी दिनों से कंस की ड्राइंग करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आज मैंने कंस का एक पोर्ट्रेट बनाने की यहाँ पर कोशिश की है। तो कंस जो है वो लिटिल सिंघम में एक विलन होता है और मुझे जहाँ तक याद है कंस और काल का राज इस मूवी में ये पहले मैंने देखा था। इसके अलावा भी शायद 2 या 3 मूवीज़ थी जिसमें कंस अपियर हुआ है। अब वो मूवीज़ कौन कौन सी हैं उनके बारे में तो मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो वो आप कमेंट्स में लिखकर मुझे बता सकते हो, मैं उस मूवी को देखने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल, अगर आप इसके लुक को देखो तो ये रावण से काफ़ी हद तक मैच करता है और बिल्कुल सेम प्राचीन जो हमारे, चाहे आप विलन्स की बात कर लो, जो हमारे शास्त्रों में दिखाए गए हैं एज अ विलन पोर्ट्रे किए गए हैं, उनके जो जिस तरह से उनका पूरा शरीर होता है, अगर आप देवताओं को भी देखो तो वो भी इस तरह से मुकुट और कुछ इस तरह के आभूषण और साथ ही साथ आर्मर वो पहनते थे, तो सेम वैसा ही लुक यहाँ पर कंस का भी है। एक इसका दूसरा लुक भी था जिसमें इसने एक ब्लैक कलर के डिमोनिक कुछ कपड़े पहने हुए थे। अब उसमें मैंने इसे नहीं बनाया क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो कंस की ड्राइंग बनाई थी उसमें मैंने इसे इसी तरह से बनाया था। तो पहले तो हम इसके एक्सप्रेशन ही कंप्लीट कर रहे हैं और यहाँ पर इसकी मूंछों का ध्यान रखना है, बिल्कुल दोनों तरफ इसकी ओरिएंटेशन बिल्कुल सेम होनी चाहिए। हल्का सा कर्व में आपको इसको दोनों साइड से ऊपरी साइड से रखना है और इसकी एक स्माइल बनानी है। यहां से इसका मुकुट हम स्टार्ट करेंगे और दोनों साइड से यहां से ले जाकर हमें इसके फेस को यहां पर कंप्लीट करना है, उसे पूरी तरह से कवर कर देना है। और इस तरह से इसका जो फेस है पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसका जो क्राउन है हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो क्राउन का जो पैटर्न है, उसके ऊपर जो पैटर्न है उसे आप ध्यान से देख लीजिए और यहाँ पर साइड में इसके ईयर हैं उसका भी ध्यान रखना, और साथ इसके जो हेयर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो भी एग्जैक्ट सेम उसी पॉइंट से करने हैं जहाँ पे इसके क्राउन का, जहाँ पर इसका क्राउन फिट हो रहा है बिल्कुल उसी पार्ट से हमें इसके हेयर को भी एक्सटेंड करना है। तो जो भी पैटर्न्स वगैरह है सिंपल इसके क्राउन पे वो तो हम सिंपली बना रहे हैं। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि इसके क्राउन के पीछे एक बिल्कुल सर्कुलर तरह से, जैसे सूर्य देव के मुकुट के पीछे भी शायद ऐसा ही डिज़ाइन मैंने देखा है, आई थिंक रामायण के कोई सीरियल में या फिर सूर्यपुत्र कर्ण, एक सीरियल आता था पहले शनि, उसमें हमने जो सूर्य देव का जो इस तरह से देखा था उसमें कुछ इसी तरह का ही इसके क्राउन के पीछे वाला हिस्सा था। कंस की क्या क्या पावर्स हैं वो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना, क्योंकि मुझे कंस की पावर के बारे में भी ज़्यादा कुछ मालूम नहीं। इसके पीछे क्राउन के जो हिस्सा है इसे बनाने के लिए आप एक कंपास की हेल्प से एक छोटा सा सर्कल यहाँ पे लगा सकते हो, हमें पूरा सर्कल भी लगाने की जरूरत नहीं है और डबल लेयर आपको उस पर लगानी है। यहाँ पे हम पहले इसकी ईयरिंग्स को कंप्लीट कर रहे हैं। दोनों ईयर्स का भी जो साइज है उसका आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, साइज बिल्कुल सेम हो और इसके ईयरिंग तो यहाँ से इसके जो हेयर है वो यहाँ तक आएंगे, इसके बिल्कुल जहाँ से इसकी बियर्ड स्टार्ट होगी, तो हम बियर्ड तो इसकी नहीं है तो इसीलिए यहाँ तक इसके हेयर ही रहेंगे ऐसे। और अब हम जो ये क्राउन के पीछे वाला हिस्सा है इसे भी बना, तो मैंने इसे फ्री हैंड ही बनाया है, कोई कंपास की हेल्प नहीं ली है,
आप चाहो तो कंपास का यूज़ कर सकते हो क्योंकि उससे बिल्कुल परफेक्ट ये बनेगा, पर मैंने सोचा इतना ज़्यादा भी एफर्ट लगाने की क्या ज़रूरत है, पर अगर आप इसे फ्री हैंड बना पाओ अच्छे से तो उससे ज़्यादा अच्छा और क्या ही हो सकता है। और अभी छोटा भीम महाशैतान का महावार का सेकेंड पार्ट भी आया है और उसकी स्टोरी जो है वो पहले पार्ट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। जिस तरह से उन्होंने उसमें ऋषि पराश को दिखाया और साथ ही जो उन्होंने ये कंसेप्ट स्टार्ट किया है कि जो तेजस के रक्षक हैं उनके पास भगवान के तीन अवतारों की शक्तियाँ हैं, तो जैसे हमें पहले वामन केतु दिखाया गया था उसके पास भगवान के तीन अवतारों की शक्तियाँ थी, मेनली वो विष्णु के ही अवतार हैं, और उसी तरह से जो अभी ऋषि पराश हमें दिखाए गए थे उनके पास भी तीन अवतारों की शक्तियाँ थी भगवान के, आई थिंक वो शायद शिव जी के अवतारों की शक्तियाँ थी। और लास्ट में जो हमें भभूत काल नाम का जो एक रक्षक दिखाया जाएगा जो हमारा आखिरी तेजस है उसका रक्षक होगा, उसके पास भी शायद विष्णु भगवान के तीन अवतारों की शक्तियाँ होंगी। तो अब वो लास्ट पार्ट में हमें पता चलेगा कि उसमें रंगड़ा या फिर शैतान किसको तेजस मिलेंगे, क्योंकि रंगड़ा वो तेजस लेकर भाग गई है या फिर वो शैतान को देने आ रही है, उसके बारे में हमें कुछ क्लू उसमें नहीं दिया गया है। और अब यहाँ से हम इसके हार्मर को स्टार्ट कर देंगे, इसके हेयर फ्लोट करते हुए हमें यहाँ पे दिखाने हैं तो वो बिल्कुल ऐसे सेम ही दिखाने हैं हमें। यहाँ पर बीच में एक डायमंड होता है आई थिंक, तो मैंने डायमंड यहाँ पर बनाया है, स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बीच में लगानी है और साइड के आसपास जो पैटर्न है उसे हमने बनाना है। इसके आर्मर के जो डिफरेंट हिस्से हैं वो चाहे आप इसके शोल्डर के पास लो या फिर इसकी चेस्ट तक और नीचे, तो ये तो सिंपल ही हमें बनाना है और साथ ही नीचे से हमें इसकी आर्म को एक्सटेंड करना है और आर्म पर जो गॉन्टलेट्स बने हुए हैं उसका भी ध्यान रखना। मैंने दोनों तरफ गॉन्टलेट्स बनाए हैं और जितनी ड्राइंग हमारी इस शीट पर आई है मैंने उतनी ड्राइंग कवर की है, मेनली ये पोर्ट्रेट ही है।
ये फिस्ट जो इसकी होगी वो इस तरह से हमने दिखानी है। तो अब देखो हम इसकी फिस्ट को है ह्यूमन फिस्ट की तरह मैं यानी यहाँ पर बनाने की कोशिश नहीं की है, जैसा इसका एनिमेशन है मैंने उसी फॉर्म में से रखा है क्योंकि ये एनिमेटेड कैरेक्टर है तो ये इसमें ठीक लग रहा है। अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहो तो इसे एक ह्यूमन फिस्ट की तरह भी दिखा सकते हो इसमें थोड़ी और ज़्यादा इम्पैक्ट डालने के लिए। और जिस भी पैटर्न के गॉन्टलेट इसने पहने हुए हैं सेम वैसे ही मैंने बनाए हैं। यहाँ से बिल्कुल नॉर्मल इसने जो धोती पहनी हुई होती है, एक छोटा सा कमरबंद यहाँ पर इस डिज़ाइन का होता है तो ये मैंने बना दिया। और नीचे इसकी धोती को बना सकते हैं और साथ ही इसके जो फीट होंगे थोड़े बहुत इसके जो शू वगैरह दिखेंगे वो हमें दिखाना है। तो फाइनली हमारी कंस की आउटलाइन कम्प्लीट हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि इसके पास कोई केप होती है, पर अगर केप क्लोथ होता है तो वो भी आप दिखा दो। नाउ लेट्स फिल कलर इन इट। तो यहाँ पर मैं लेयर बाय लेयर कलर कर रहा हूँ। पहले मैंने हल्की लेयर ऐड किया यहाँ पर गॉन्टलेट्स पे, उसके बाद मैंने डार्क लेयर को ऐड किया है। और आप इसके आर्मर के कलर में थोड़ा डिफरेंस देखोगे इसके कमरबंद के कलर से। एक जगह मैंने गोल्डन, थोड़ा गोल्डन कलर का यूज़ किया है और दूसरी जगह येलो, यहाँ पर डार्क ब्राउन कलर का यूज़ किया है। और साथ ही इसके कुछ हिस्से जहाँ पर पर्पल कलर यूज़ किया है। और इसकी स्किन कलर को बनाने के लिए हमने 3-4 कलर मिक्स किए हैं जिसमें येलो, रेड और ब्राउन कम अमाउंट में और वाइट ज़्यादा अमाउंट में। तो ये देखो हमारी जो ड्राइंग है पूरा कंप्लीट करने के बाद इस तरह से नज़र आएगी। तो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो इसे आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द आपसे मिलेंगे एक और नई ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। इसी तरह से आप ड्राइंग सीखते रहें और ड्राइंग सजेशन हमें देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।